मुरादाबाद में कैलेंडर नववर्ष के प्रथम दिन महानगर के अनेक नागरिकों ने लाल बाग स्थित माता काली के मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद अपने कैलेंडर वर्ष के आगमन के प्रथम दिन के साथ अपने जीवन की शुरुआत की। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा मां काली के मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे गुब्बारे और फूलों से बहुत ही सुंदर एवं व्यवस्थित तरीके से सजाया गया था। माता काली के मंदिर पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में स्तुति करते हुए देश के साथ साथ प्रदेश तथा महानगर मुरादाबाद में कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन के पैर पसारने पर उसकी चपेट में आने वाले महानगर वासियों के साथ साथ समस्त जनमानस को महामारी से बचाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। मंदिर पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं में स्त्री पुरुष बुजुर्ग जवान और बच्चे सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलकती नजर आ रही थी। महानगर के धर्म प्रेमियों में महानगर मुरादाबाद के प्रसिद्ध जादूगर अजय देव भी अपने परिवार के साथ पहुंचे और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हुए समस्त जनमानस को संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। लाल बाग काली के मंदिर आए हुए हैं, नववर्ष की शुरुआत काली मंदिर से जीवन आत्मा में सुख शांति से बन रहे, इसलिए हम दर्शन करने आए हैं। और यहाँ की जो अच्छी सजावट वगैरह सब अच्छी डेकोरेशन है और परिवार के साथ हम सब कैसे दर्शन हुए हैं आप? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, सब लोग अच्छे आराम से दर्शन हुए। कितने लोग दर्शन को आते हैं यहाँ पर? 100-150 लोग। इस दौरान सभी ने भगवान से कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की।